नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कोरोना काल के बाद जब ट्रेन पुनः संचालित हुई तो उन्हें स्पेशल टैग के साथ चलाया गया। इससे ट्रेन में तो किराया बढ़ गया लेकिन सुविधाएं कम हो गई। इस समय मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों से तो स्पेशल का टैग हटा दिया गया है और किराया समान है। कोरोना काल में विशेष ट्रेन के रूप में चलाई जा रही पैसेंजर लोकल ट्रेन से स्पेशल का टैग जल्द ही खत्म होने वाला है। स्पेशल ट्रेन के नाम पर वसूला जा रहा किराया भी खत्म हो जाएगा। इसकी तैयारी भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है। जोन स्तर पर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा रहा है जिससे जल्द ही पैसेंजर ट्रेनों का किराया भी समान हो सकेगा और जिन पैसेंजर ट्रेन को अभी तक नहीं चलाया गया है उन सभी पैसेंजर ट्रेन को दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस समय मेल व एक्सप्रेस ट्रेन से तो स्पेशल का टैग हटा दिया गया है और किराया समान है लेकिन पैसेंजर ट्रेन में अभी भी यात्रियों से विशेष ट्रेन का ही किराया वसूला जा रहा है और इन ट्रेनों के स्टॉपेज को भी कम कर दिया गया है। यात्रियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि लोकल ट्रेनों में किराया समान हो जाए। भारतीय रेलवे अब तैयारी कर रहा है कि सभी ट्रेनों को स्पेशल टैग से हटा दिया जाए और सभी ट्रेन का किराया समान हो और जो ट्रेन जिस तरह पहले चला करती थी वो ट्रेन समान तरीके से वैसे ही चले जिससे यात्रियों को लाभ मिल सके। इस कड़ी में कुछ ऐसी ट्रेन भी थी जिनको पहले लॉकडाउन से बंद कर दिया गया था, उसके बाद अभी तक इन ट्रेनों को शुरू नहीं किया गया। इस कड़ी में पहली ट्रेन है रीवा चिरमिरी ट्रेन को लॉकडाउन के समय बंद कर दिया गया था और आज तक इस ट्रेन को नहीं शुरू किया गया। इनके अलावा जबलपुर चंदाफोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन को भी शुरू किया गया था लॉकडाउन के बाद, उसके बाद इस ट्रेन को यात्रियों की कमी का हवाला देकर भारतीय रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया जो कि अभी तक शुरू नहीं किया गया है। ट्रेनों के न चलने से यात्रियों में काफी आक्रोश है, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र की जनता लगातार गुहार कर रही है कि जितनी भी पैसेंजर ट्रेन है जो कोरोना काल से बंद है इन सभी पैसेंजर ट्रेन को दोबारा से शुरू किया जाए बिल्कुल सामान्य तरीके से ताकि यात्री जीवन समान हो सके। लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय इन पैसेंजर ट्रेन को लेकर नहीं लिया गया है। अब इस बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि भारतीय रेलवे पहले की तरह सभी ट्रेनों के स्पेशल टैग को हटा रहा है और पहले की तरह जो समान तरीके से ट्रेन चला करती थी वो समान तरीके से ट्रेन चलाने की योजना भारतीय रेलवे की हो रही है क्योंकि भारत देश में कोरोना की स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण हो चुकी है। इस बीच हमारी जितनी भी पुरानी ट्रेन थी अब सभी ट्रेनों का नंबर आ रहा है कि सभी ट्रेनों को पटरी पे लाया जाए जिससे जीवन और भी ज्यादा समान हो सके। जैसे हमको भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।